दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हर एक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक और तकरार तो एक आम बात होती है, लेकिन उस झगड़े और मनाने के बीच का समय कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल तो कुछ लोगों के लिए काफी मजेदार होता है। किंतु यदि बात ज्यादा बिगड़ जाए तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटी मोटी बातों से बहस शुरू होकर ब्रेकअप या तलाक तक पहुंच जाती है। चलो बताते हैं कि आखिर आप अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड या पार्टनर को कैसे मना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। नंबर 1, दोस्तों आजकल स्मार्टफोन और सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने दिल की बात किसी से भी कह सकते हैं। यानी कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपसे रूठ गई है तो आप एक अच्छा सा रोमांटिक मैसेज लिखकर उसे सेंड कर सकते हैं। इससे आपको उसके सामने भी नहीं जाना पड़ेगा और बात भी बन जाएगी। यदि आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि जब उसका गुस्सा शांत होगा तो आपके द्वारा भेजे गए मैसेज का वह रिप्लाई जरूर करेगी। सेकंड नंबर, दोस्तों यदि मैसेज पर बातचीत शुरू हो जाए तो उसके तुरंत बाद कॉल करें, और यदि आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर ने आपके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया है तो भी उसे कॉल करें, क्योंकि बातचीत की शुरुआत करने के ये अच्छे तरीके हैं। यदि ये दोनों ही तरीके फेल हो जाते हैं तो आप उससे फोन पर या डायरेक्ट मिलने पर माफी भी मांग सकते हैं, किंतु आप उससे माफी तभी मांगें जब गलती आपने की हो। थर्ड नंबर, दोस्तों गिफ्ट और सरप्राइज में तो लड़कियों की जान बसती है, क्योंकि लड़कियां और स्त्रियां गिफ्ट और सरप्राइज पाकर यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक क्या करना है क्या नहीं। कुल मिलाकर आप उसे अच्छा सा गिफ्ट या सरप्राइज देकर आसानी से मना सकते हैं। फोर्थ नंबर, दोस्तों एक इंसान को लव अफेयर या रिलेशनशिप में झुकना भी आना चाहिए, इसलिए लड़ाई झगड़े को भूलकर पहले की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज या कॉल करें या उससे मिलने जाएं, क्योंकि जो लोग छोटी छोटी बातों की गांठ बना लेते हैं उनके रिश्ते किसी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाते। इसलिए छोटे पूरे झगड़ों बहस या तकरार को भूलकर आगे बढ़ें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।